हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारे फ़ोन आपके सामने हैं, मैं बताता हूँ उन सभी फ़ोन्स में क्या क्या है। और आज मैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करना है, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट ही परफॉर्म करने हैं, नॉट जस्ट लाइक रेगुलेटर्स जो परफॉर्म करते हैं, वो तो हम यूजुअली करते हैं, लेकिन आज जस्ट दो पॉपुलर फ़ोन्स के बीच कंपेरिजन है एंड मैं बताता हूँ क्यों। फर्स्ट लास्ट जो दो फ़ोन हमने रेडमी के ट्राई किए, रेडमी नोट 10 और रेडमी नोट 10 प्रो एंड प्रो मैक्स, जिसमें बहुत सिमिलर कंस्ट्रक्शन है। सो ये रहा नोट 10, रेडमी नोट 10 आपने देखा कैसा है, किस कंडीशन में आया, क्या क्या वीकनेस थे वो हमने देख लिए। नोट 10 प्रो मैक्स कुछ ज़्यादा ही बुरी कंडीशन में है। एनीवेज, तो आज हमें जस्ट एक्सक्लूसिव टेस्ट परफॉर्म करना है Redmi Note 10 Pro Max versus the newly launched Realme 8 Pro। और आज जो हम तीन स्पेसिफिक टेस्ट करेंगे, स्प्लैश टेस्ट, बेंड टेस्ट एंड ड्रॉप टेस्ट। और मेरे पास दो सील्ड यूनिट है Redmi Note 10 Pro Max की। कोई शक ना रहे, कोई शिकवा ना रहे, कोई गुंजाइश ना रहे कि ड्रॉप टेस्ट पहले क्यों परफॉर्म किया, बेंड टेस्ट पहले क्यों परफॉर्म किया, स्प्लैश टेस्ट पहले क्यों परफॉर्म किया वगैरह वगैरह। इसीलिए दो डिफरेंट फ़ोन हैं। ओके, फर्स्ट ऑब्वियसली हम स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करेंगे एक फ़ोन से, इन केस फ़ोन में कुछ डैमेज होता है देन इट्स ओके, उसी फ़ोन से हम बेंड टेस्ट परफॉर्म कर लेंगे। आई एम श्योर तब तक तो फ़ोन में फिजिकली कोई कंस्ट्रक्शन नहीं वीक होगा एंड ड्रॉप टेस्ट हम सेपरेट फ़ोन से परफॉर्म करेंगे। और अगेन From the Realme side, sealed pack, brand new Realme 8 Pro। इससे हम सभी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए फ़ोन को कट करते हैं, फ़ोन को तो नहीं कट करेंगे ऑब्वियसली, बॉक्स को कट करेंगे, देखते हैं किस फ़ोन में कैसा रिजल्ट निकलता है। एंड ये रहा Redmi Note 10 Pro Max, और ये मैंने ऑफलाइन से परचेज़ किया है क्योंकि ऑन सेल मुझे मिला नहीं और पर डिवाइस मुझे 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े तब जाके मुझे ये फ़ोन मिले हैं। फ्रेश फ़ोन, फ्रेश फ़ोन। ये रहा Realme 8 Pro। दोनों ही फ़ोन काफ़ी ब्यूटीफुल हैं एंड दे लुक्स ग्रेट। ऑलराइट, चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। दोनों ही फ़ोन परफेक्टली वर्किंग है, फ्रेश हैं। फर्स्ट टाइम स्प्लैश टेस्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने 5 मिनट का स्प्लैश टेस्ट किया था, तो हम एग्जैक्टली सेम टेस्ट फिर से परफॉर्म करेंगे। ये रहा टाइमर एंड परफेक्टली वर्किंग दोनों ही डिवाइसेस हैं आपके सामने एंड दोनों फ़ोन को हम रखते हैं यहाँ पे, देखते हैं किस फ़ोन में कितने लेवल तक का डैमेज होता है। एंड इन बिटवीन द टेस्ट आप देख सकते होंगे कि कुछ वाटर बबल्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं जो फ़ोन पर लगे हुए हैं। स्पेशली Realme 8 Pro में आप देखेंगे कैमरे के अराउंड कुछ बबल हैं और यहाँ पे फ्रेम पे जहाँ पे डेयर का ENR है वहाँ पे देख सकते हैं कुछ बबल्स दिखाई पड़ रहे हैं। दैट मीन्स सर्टेनली पानी अंदर जा रहा होगा। वैसे ये Redmi Note 10 Pro Max में हमने देखा था वहाँ पे भी पानी अंदर था। लेट्स सी किस फ़ोन में कितना पानी निकलता है। 5 मिनट हो गए, स्टॉप, फ़ोन को बाहर निकालते हैं। ओके गाइस, लेट्स सी किस फ़ोन में कितना पानी गया है। एंड फर्स्ट ऑब्वियस वे चेक करने का ये होता है कि सिम ट्रे में देखते हैं कि थोड़ा सा भी पानी है, दैट मीन्स फ़ोन में पानी अंदर गया है और कुछ भी हो सकता है उसके बाद फ़ोन वर्क भी कर जाते हैं। बहुत से फ़ोन आपने देखे हैं। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द Redmi Note 10 Pro Max। ओके, पानी की बूंदें आपको दिखाई पड़ रही होंगी, दैट मीन्स पानी अंदर गया है। एंड यो, परफेक्टली चोक्ड फ़ोन, काफ़ी पानी निकल रहा है। एंड या फ़ोन तो अभी वर्किंग है, कैन नॉट से कब तक वर्क करेगा। अगर फ़ोन गलती से पानी में गिर जाए ना तो ये स्टेप कभी मत करिएगा, ऐसे करने से ना पानी सर्किट में फैल जाता है, इंस्टेंटली आपको फ़ोन छोड़ देना चाहिए और कुछ भी करिए बट फ़ोन को हिलाइए मत। ओके, अभी तक तो फ़ोन वर्किंग है। ऑलराइट, लेट्स ट्राई आउट Realme 8 Pro।
एंड क्वाइट सरप्राइजिंग यहाँ पे कोई भी आप देखेंगे गैस सेपरेशन नहीं है। थोड़ा सा पानी इसमें तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया, लेकिन वाटर बबल्स तो दिख रहे थे। वैसे कुछ खास पानी तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। लेट्स सी, थोड़ा सा पानी यहाँ से भी निकल रहा है, आप देख सकते हैं। एंड फ़ोन अभी भी वर्किंग है और दोनों ही फ़ोन से पानी निकल रहा है, यहाँ से भी काफ़ी पानी बाहर निकला है। सो टेक्निकली दोनों ही फ़ोन आपके ज़्यादा पानी के प्रेशर को बर्दाश्त तो नहीं कर पाएंगे। अब वेट एंड वॉच करना है, टेस्ट प्रोसीड करना है, देखना है कि कौन सा फ़ोन कौन सी हरकतें पहले करता है, कौन सा फ़ोन पहले डेड होता है। एंड सो फॉर दोनों फ़ोन वर्किंग है, लेट्स सी। ऑलमोस्ट गाइस एक घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं स्प्लैश टेस्ट यानी कि जिस टेस्ट से मैं करता हूँ परफॉर्म किए हुए। हियर इज़ एन अपडेट। और जैसा हमने पहले भी देखा था रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स के साथ ऐसा ही हुआ था कि स्क्रीन सडनली टर्न ऑफ हो गई थी। अभी मुझे वाइब्रेशन फील हो रहा है, अगर मैं पावर बटन प्रेस करके ऑन ऑफ करता हूँ तो फ़ोन यू नो थोड़ी सी वाइब्रेशन आती जो रिस्टार्ट करने पर होता है, लेकिन इटसेल्फ फ़ोन आप देखेंगे कि स्क्रीन में कुछ नहीं आ रहा है। सो लास्ट टाइम तो ये प्रॉब्लम अपने आप फिक्स हो गई थी, आई मीन ड्रॉप टेस्ट 2-3 घंटे बाद मैंने किया था, देन स्क्रीन इसकी काम करने लगी थी। तो लेट्स सी क्या कुछ ऐसा होता ही नहीं होता है। और इन केस ऑफ रियलमी 8 प्रो अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आई है, बट मोस्ट लाइकली आ सकती, लाइक हमने नार्जो 30A का जब किया था स्प्लैश टेस्ट तो उस फ़ोन का टच स्टॉप हो गया था वर्क करना। सो प्रॉब्लम यहाँ भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कोइंसिडेंस की अभी नहीं आई है। सो लेट्स सी इन केस जो भी आती है मैं आपको फ्यूचर में सोशल मीडिया अपडेट में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब हम बैंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम फिर से आती नहीं आती। वैसे रिजल्ट आपने पहले भी देखा है और लास्ट टाइम जब हमने यू नो जब इसका बैंड टेस्ट परफॉर्म किया था देन ड्रॉप टेस्ट हमने पहले किया था तो उसमें स्क्रीन क्रैक थी, तो उससे हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी पे फर्क पड़े। फिर भी लेट्स गिव अ ट्राई, इस पर हम फ्रेश फोन से ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं रिजल्ट कैसा मिलता है। तो फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बैंड करते हैं। हियर वी गो, 3, 2, 1। स्पायरल वेब्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो सिमिलर तरह का प्रॉब्लम यहाँ भी दिख रहा है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स और प्रो जो भी आप लेंगे, सेम प्रॉब्लम है। हल्का से ज़्यादा प्रेशर लगाते ही इस बटन के अराउंड से जहाँ पे प्रॉब्लम है, लास्ट टाइम भी पावर बटन के ऊपर से ही फ्लेक्स हुआ था फ़ोन और वहाँ से क्रैक हुआ था। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर कहानी है और कुछ इस तरह आपका फ़ोन फेल हो सकता है। सो ये तो था रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। और अगर हम बैक साइड से बैंड करेंगे तो परहैप्स आई थिंक कुछ ज़्यादा डैमेज हो सकता है फ़ोन में और ये कुछ इस तरीके से बाहर आ सकता है। ऑलराइट, सो ये तो था गाइस रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। रियली वीक इसका फ्रेम बनाया गया, थिएटर में आपने देखा होगा कि क्या प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा फ्रेम पतला भी है और आई थिंक सो कि इम्प्योरिटीज उसमें ज़्यादा है। एनीवेज चलिए हम रेडमी नोट रियलमी 8 प्रो पे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट एज ऑलवेज स्क्रीन साइड से, हियर वी गो, 3, 2, 1। यहाँ पे भी फ्लेक्स काफ़ी आ रहा है फ़ोन में और वॉल्यूम बटन के अराउंड आप देखेंगे कि हल्का सा ये प्लास्टिक उठ भी जा रहा है, लेकिन एज सच कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। और अगर स्लिम की बात करें तो आई थिंक मोर और लेस सिमिलर है, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्लिम है, स्टिल यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है। ओके, आप उसी डायरेक्शन से बेंड करते हैं, हियर वी गो, 3, 2, 1। एज सच कुछ यहाँ पे ना क्रैकिंग साउंड आ रही है ना कुछ आ रहा है। सो प्रहैप्स टीयरडाउन में हम देखते हैं कि रीज़न क्या है, कि इस फ़ोन में कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम आई है कि नहीं आई है। सो या गाइस दैट्स इट फॉर दी बैंड टेस्ट। चलिए अब हम ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म करते हैं सेपरेट फ़ोन से, फ्रेश फ़ोन से जो हमने सेकेंड यूनिट ली है, देखते हैं ड्रॉप टेस्ट में कौन सा फ़ोन परफेक्टली पास करता है। गिरा फ्रेश रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स एंड मैं वही फ़ोन ले रहा हूँ जो हमने रियलमी 8 प्रो को यूज़ किया है यू नो लाइक बैंड टेस्ट के वक्त, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि बैंड करने से ड्रॉप में फ़र्क पड़ता है, तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा कि क्या ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। आई बिलीव मैंने अराउंड 185 स्मार्टफोन्स अभी तक ऐसे ही ट्राई किए हैं, आई डोंट थिंक सो कि कुछ फ़र्क पड़ता है मेजर, अगर बहुत ज़्यादा फ्लैक्स नहीं है। तो इसका भी सेटअप कम्प्लीट हो गया है और रियलमी 8 प्रो, लेट्स सी। यहाँ पे ग्लास का बैक पैनल है, यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट है, तो थोड़ा सा एडवांटेज मिल सकता है रियलमी 8 प्रो को। ओके, फर्स्ट वेस्ट हाइट, 3, 2, 1, हियर वी गो,
Realme 8 Pro. परफेक्टली ओके एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों फ़ोन का निकला हुआ है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन. अब हम कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं. ऑलराइट रियल रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स. कुछ ज़्यादा ही लंबा नाम होता चला जा रहा है. क्या पता एक दो साल में ऐसे आ जाए रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स अल्टीमेट, कुछ भी आ सकता है. और दोनों अभी भी ओके हैं. वेट के टर्म्स में आई बिलीव रियलमी 8 प्रो थोड़ा सा ज़्यादा लाइट वेट है, अगर जहाँ तक मुझे करेक्टली पता है. लेट्स ट्राई रियर साइड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स. बाउंसी रियलमी 8 प्रो. इस हाइट से तो आई डोंट थिंक सो कुछ हो सकता है. ओके नाउ स्क्रीन साइड रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स. ओके रियलमी 8 प्रो. औ इस फोन का डिस्प्ले जा चुका है जबकि Realme 8 Pro का नहीं गया. एंड आई थिंक मुझे लग रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि फ़ोन साइड से गिरा है. तो चलिए टेस्ट को फेयर करते हैं और फिर से इसको ड्रॉप करते हैं, क्या होता है. नोप. सो ये रहा रिजल्ट. अब ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये AMOLED डिस्प्ले है और AMOLED डिस्प्ले में आप जानते हैं कि फ्रेजाइल होते हैं, शॉक से ही टूट जाते हैं. अगर आप ड्रॉप प्रूफ केस यूज़ करेंगे तो भी शायद नहीं हो सकता, क्योंकि पास मैंने आपको दिखाया था लाइक रिंग के केपर के केस आप यूज़ करते हैं तो वो ड्रॉप में ऐसे फेल हो सकते हैं. एंड अभी भी देखिए टच वर्क कर रहा है. आई मीन आप यहाँ पे देख सकते हैं आइकॉन्स आ रहे हैं, ये इनसाइड ऐप ड्रॉर ये सभी कुछ हो रहा है, कीबोर्ड भी आ रहा है, लेकिन टॉप में हो गया है. और रियलमी 8 प्रो अभी भी वर्किंग है. ओके टेस्ट को प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी क्या होता है. और अगर आपने देखा कि लास्ट टाइम जब नोट 10 प्रो मैक्स मैंने ड्रॉप किया था तो वो भी ऐसे ही इतने हाइट से टूटा था और पोको फोन F1 इस हाइट से टूटा था. सो प्रॉब्ली सिमिलर. सो नोट 10 प्रो मैक्स का रिजल्ट एग्जैक्टली वैसे रिपीट हो रहा है, लाइक 5 मिनट बाद स्क्रीन डेड हुई, देन बेंचेस फेल, देन उसके बाद ड्रॉप टेस्ट, नो इश्यूज. हेड हाइट 5-6 फीट की हाइट से ड्रॉप करते हैं. 3, 2, 1. Oh. And here we go. Realme 8 Pro. Anna style. अरे ये कैसे हुआ, डिस्प्ले कुछ और तरह से आ गया यहाँ पे. टच तो चला गया है, वो हरी, अरे वो हरी लाइन ज़्यादा सेक्सी लग रही थी. कुछ तो है यहाँ पे, मतलब कुछ हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम कर रहा है. नो इश्यूज. चलिए टेस्ट को प्रोसीड करते हैं फर्दर एंड कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं. Here we go. कि कॉर्नर में एक्चुअली मैट हुआ और ये टाइल है, वुड नहीं है, ये वुडन फिनिश टाइल है. यू नो लाइक मुझे थोड़ा आपने देखा होगा कि मुझे वुडन थीम पसंद है नेचुरल, तो इसलिए वो कलर है. एक्चुअली ऐसा ना समझे कि लकड़ी पे फूल, अगर लकड़ी पे करके टूट जाता वुड पे देन इट्स प्रीटी मोर शेम बिकॉज यू नो वुड तो ज़्यादा लेस हार्ड होती है कंपेयर टू मेटल के. एंड रियलमी 8 प्रो. आउ सिम ट्रे बाहर आ गया, बट यस यहाँ पे क्रैक हो गया है. सो कॉर्निंग ग्लास गोला ग्लास 5 साइड से क्रैक हो गया, इससे पहले क्रैक नहीं था. एंड यहाँ पे यहाँ से गिरा, आप देख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा, नो प्रॉब्लम. सेकेंड लास्ट टेस्ट. अरे रियर पैनल भी क्रैक हो गया, इससे पहले नहीं था, ये ऐसे गिरा जब इस साइड से, देन रियर पैनल भी क्रैक हो चुका है. और यहाँ पे प्लास्टिक बैक पैनल है, दैट्स अगेन एन एडवांटेज. ऑलराइट लेट्स सी कि ड्रॉप ड्रेस होता है कि नहीं होता है. कुछ ज्यादा कांच टूटने की आवाज आई है. ओके रियलमी 8 प्रो. हियर इज द रिजल्ट. ये और ज्यादा कंप्लीटली डिस्प्ले की जा चुकी है एंड हियर रियलमी 8 प्रो परफेक्टली वर्किंग. काफी कांच पड़े हैं ना, तो कांच से क्या होता है कि कांच पे कांच टकराता है तो भी डिस्प्ले कुछ हो सकता है. ऑलराइट गाइस ये रहा हेड हाइट टेस्ट. ये फ़ोन ड्रॉप डेड तो अभी नहीं हुआ है क्योंकि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फील हो रहा है, देखते हैं ड्रॉप डेड होता है कि नहीं होता है. लेट्स ड्रॉप इट, हियर वी गो. ओके एंड रियलमी 8 प्रो.
ओके लेट्स सी द रिजल्ट एंड ये रहा अभी डेड न्यू एक्चुअली एंड अबाउट द रियलमी 8 प्रो ये अभी भी परफेक्टली ओके है नो सच प्रॉब्लम सो या गाइस दैट्स इट फॉर द रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स अल्टीमेट नेक्स्ट ईयर का और रियलमी 8 प्रो टेस्ट सो रेडमी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करना पड़ेगा क्वालिटी वाइज बिकॉज डिफरेंट तरह के टेस्ट में फेल हो रहे हैं एंड सो फॉर रियलमी इज डूइंग गुड जॉब ओके तो थैंक यू सो मच गाइज आई होप आपको ये टेस्ट अच्छा लगा होगा सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन हैव अ ग्रेट डे